पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण अभी अभी परीक्षा समाप्त हुआ है और परीक्षा समाप्ति के बाद अब इंतजार रिजल्ट का हो गया है। बीपीएससी की तरफ से शिक्षक बहाली प्रक्रिया का दूसरा चरण की समाप्ति के बाद अब चर्चाएं रिजल्ट को लेकर के हो गई है, लेकिन उससे पहले बीपीएससी ने बड़ा आदेश 2.0 में यानी कि दूसरे चरण में जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है उनके लिए बड़ा आदेश बीपीएससी के तरफ से जारी कर दिया गया है। क्या है बड़ा आदेश, चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। आपको बताएं कि अब बीपीएससी ने बड़ी राहत दे दी है, बिना पास अंक लाए भी आप शिक्षक बन सकते हैं। ये एक बड़ा अपडेट, बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चरण दूसरे में अपडेट आया है। आपको बताएं कि बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत बीपीएससी की तरफ से दिया गया है। इन्हें भाषा के परीक्षा में पास करना अनिवार्य नहीं रह गया, यानी कि अगर कोई भी अभ्यर्थी भाषा विषय में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं मिलाते हैं तो उनकी परीक्षा रिजल्ट पर असर नहीं पड़ेगा। बीपीएससी के इस नए आदेश का लाभ मध्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अभ्यर्थियों को मिलेगा, पर प्राथमिक स्कूलों के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि उन्हें न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा। आपको बताया कि बीपीएससी के योगदान के नियम बनाया था कि भाषा की परीक्षा 30 अंकों की रहेगी और इसमें 9 नंबर पासिंग मार्क्स रहेंगे, यानी भाषा में 9 नंबर लाना जरूरी है, लेकिन अब नए आदेश के आधार पर आगे की परीक्षा में ये न्यूनतम अंक लाना जरूरी नहीं है, यानी भाषा के लिए आवश्यकता जो अर्हता अंक के जो है वो जीरो कर दिया गया है। बीपीएससी के नए आदेश के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट 120 नंबर पर बनाया जाएगा। दरअसल इम्तिहान के कुछ बाद अभ्यर्थियों ने इस बात को कहा था कि भाषा के इम्तिहान में उर्दू और पार्शियन के एक भी सवाल नहीं दिए गए थे। यही वजह थी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 9 अंक के क्वालिफाइंग वाली अनिवार्यता को खत्म कर दिया। हालांकि पहली से पांचवी क्लास के लिए तय पास मार्क्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में डीएलएड डिग्रीधारी के लिए भी नई सूचना जारी की गई है। इस सूचना के मुताबिक क्लास 6 से 8 के लिए जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के NIOS के जरिए DLED योग्यता के आधार पर आवेदन दिया है, अगर वे BEd पास भी होते हैं तो वैसे अभ्यर्थी BEd वाली योग्यता भी चुन सकते हैं। इसके लिए 19 और 10 दिसंबर को आवेदन में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। तो एक बड़ी राहत बीपीएससी की तरफ से दी जा रही थी। आप सबको पता है कि TRI बीपीएससी का जब दूसरा चरण समाप्त हुआ तो कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे कि भाषा में जो उर्दू का था, जो पार्शियन भाषा का था, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे। बीपीएससी दफ्तर के बाहर भी अभ्यर्थी पहुंचे थे अपना जो एप्लीकेशन होता है, जो आवेदन होता है, वो लेकर के अतुल प्रसाद से मिलने के लिए। तो बड़ा आदेश अतुल प्रसाद की तरफ से ये दिया गया है, बड़ी राहत शिक्षकों को दी गई है, यानी कि अब उनके लिए आसान होगा परीक्षा में क्वालिफाई करना। अगर उन्होंने सही ढंग से एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो उनको उन्होंने बनाया है, ऐसे में उनके लिए आसानी हो जाएगी, बिहार में शिक्षक बनने का रास्ता उनके लिए सफल हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बीपीएससी शिक्षक से जुड़ी तमाम अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।